अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि मैं लाहौर गया था कल, और रात सुबह जल्दी उठ के गया था, तो रात शाम को पहुंचा हूं। फिर मैंने दुकानदारी की है तो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो जिसकी वजह से मैं सो गया। मैंने ब्लॉग वगैरह एडिट नहीं किया, तो वो ब्लॉग भी आज रात को इंशाल्लाह ताला मैं एडिट करूँगा। तो आज मैं जो है अपनी जो शॉप है वो शिफ्ट करने लगा हूँ अपने घर के सामने, तो इंशाल्लाह इस तरफ लगाएंगे आज अपनी जो दुकान है, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि सेटअप तो वही होगा तकरीबन, लेकिन एक बल्ब लगाना है वहां पे, और इस तरह से ताकि जब शाम हो तो वहां पे रोशनी हो, अंधेरा ना हो, इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। वहां पे भी अच्छा काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। घर पास है, कोई चीज चाहिए हो तो बंदा घर से लेता है, लेकिन वहां पे जब मैं बैठाता हूँ अगर कोई बंदा हो तो उसे बैठा देता हूँ, अगर ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है, सामान खत्म हो जाता है, तो फिर समझ नहीं आती कि मैनेज कैसे करना है। तो इसलिए मैं अपने घर के सामने जो है वो आने लगा हूँ। तो आप में से जितने भी सब्सक्राइबर जो मेरे शवामा वगैरह खा रहे हैं, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो इंशाल्लाह आप इधर आ जाइएगा। ये मैंने लीड एक पता करनी थी, तो नखरा बोले ना निकाल के सामने रख दिए, तो इसमें लगेगा बल्ब का होल्डर, तो होल्डर लगा के तो इससे काम हमारा चल जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं आज जल्दी उठ गया था, मैंने कहा थोड़ा सा काम है तो वो भी करने हैं, ये भी काम करना है, सामान वगैरह भी लेके आना है शवारमे के लिए, तो वो भी लेने जाना है, तो इसलिए मैं आज जल्दी उठ गया था। तो अभी फिलहाल नाश्ता करते हैं, जाके नाश्ता करके फिर ये मैं कल पहले सामान लेके आऊँगा, तो चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे, तो उसके बाद ये सारा काम करके तो फिर इंशाल्लाह अपनी जो शॉप है अल्लाह का नाम लेके यहाँ पे ओपन करते हैं। तो कल एक दिन मैं बैठा था यहाँ पे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो फिर मैं वहाँ पे चला गया, तो आज इंशाल्लाह यहाँ पे बल्ब वगैरह लगा के लाइट वगैरह लगा के तो आज यहाँ पे ही बैठना पक्का पक्का, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। नाश्ता जो है वो अभी बनने में टाइम है, तो मैं उतनी देर चीज़ें लिख लूँ जो मैंने आज लेके आनी है, तो वो लिख लूँ, फिर इंशाल्लाह वो भी लेते हैं, तो उतनी देर में नाश्ता बन जाएगा। अंडा भी मेरा बन चुका है, मीठा अंडा है ये, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं रोज़ खाता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो अभी नाश्ता भी कर लेते हैं, तो बाद में फिर सामान लेने जाएंगे। नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया है, तो अभी चलते हैं बाजार से जो चीज़ें हैं लेने वाली वो लेके आते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आके बल्ब का इंतजाम करते हैं। आजकल जो धूप निकल रही है ना वो इस तरह लग रही है जैसे गर्मियों की धूप होती है, वैसे मैंने तो जैकेट पहनी हुई है, लेकिन धूप ऐसी लग रही है जैसे गर्मियों की धूप होती है। सामान जो है वो सारा ले लिया, तो अभी घर जा रहा हूँ, घर जाके इंशाल्लाह पक्के काम करते हैं। होल्डर छत पे ना मैं देख रहा, मेरे को प्या थी मैं देख रहा, मेरे को एक प्या थी पता नहीं, और मैं ले आया थी 12 रुपये बुलवा से, वो देख रहे हाँ जी। तो चिकन वगैरह मैरिनेट करके रख दिया है, तो अभी मायनीज बन रही है, तो मायनीज बना के इंशाल्लाह ताला तो फिर बल्ब का जो गार है वो करते हैं। मायोनीज भी हमारी बन चुकी है, हमारा ये ओवन ख़राब हो गया था तो इसे ठीक करवाने के लिए दिया था, तो आज ये भी आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा मिस किया था इसे, तो आज आ ही गया फाइनली। तो इसके अंदर यहाँ से जो ख़राब हो गई थी इसकी जो होती है प्लास्टिक या क्या कहते हैं, तो वो ठीक करवाई है, तो अब इंशाल्लाह चला के देखेगा, अभी चला के देखा नहीं वैसे। कल ये कार का शीशा भी दोबारा टूट गया, तो जुड़ा तो नहीं था खैर, वो काम आ रहा था, तो कल जो है मोटरवे पे काफ़ी तेज़ हवा के प्रेशर की वजह से ये फिर ख़त्म हो गया, टूट गया, तो अभी इसे नया ही डलवाएंगे, तो ये रोज़ काम नहीं होता तो नया ही डलवाएंगे। और इसका जो टायर है वो भी तकरीबन फ्रैक्चर के करीब करीब ही लग रहा है, तो अभी घर करीब मेरे पास टाइम नहीं है,
नहीं तो इसे लेके जाता और इसे भी दिखा के आता कि पंक्चर है क्या मसला इसे। अभी जो है सारा सामान रेडी हो गया, सिर्फ चिकन जो है वो भूनना रहता है, तो वो थोड़ी देर मैरिनेट पड़ा रहेगा फिर उसे भुनेंगे। तो इस बेचारे की बैटरी है तो वो अभी पेंडिंग में ही है, तो किसी दिन इसे धक्का लगा के चलाऊंगा क्योंकि ये खरी खरी खराब ना हो जाए, तो इसे धक्का चला लगा के इसे एक मरतबा चलाएंगे, जब इंशाल्लाह पैसे होंगे तो बैटरी भी डलवाएंगे। तो अभी मैं बल्ब का इंतजाम करना रहता है, तो होल्डर लेके तो बल्ब बना लूं, तो फिर इंशाल्लाह रात के वक्त भी रोशनी होगी। ये एक लीड पड़ी हुई है तो ये भी इस्तेमाल हो सकती है वैसे, तो होल्डर जो है वो भी मिल गया मुझे यहाँ से, तो ये पड़ा तो पता नहीं ठीक है कि नहीं, इस्तेमाल करके देख लेंगे। तो ये होल्डर भी मिल चुका है अभी। वैसे आप ये कह रहे हो कि आजकल जो व्लॉग हैं वो सारा शवामी के रिलेटेड आ रहे हैं, तो दरअसल जो मेरा काम है तो वो अभी फ़िलहाल बिज़नेस के ऊपर पूरा ध्यान है कि किसी तरह से इसे इस्टेब्लिश करना है, अच्छे से अच्छा करना है, तो कोशिश पूरी है, तो इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट। तो इसी वजह से ये व्लॉग जो है इस तरह के आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टाइम निकाल के ना अच्छा सा, तो फिर इंटरटेनिंग व्लॉग भी लेके आऊँ, और कभी बाइक पे राइड करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो भी आपको दिखाएंगे व्लॉग में। तो इस तरह मैं अभी प्लानिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी फ़िलहाल ये चेक करते हैं कि बल्ब है कि नहीं हमारे पास, नहीं तो बल्ब बाज़ार से लेके आना पड़ेगा। अभी बल्ब घर है नहीं तो बल्ब बाज़ार से लेके आता हूँ, बल्ब जो है वो भी मैं लेके आ गया हूँ। तो अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो खाना खा लें उसके बाद जो है ऐसे करेंगे कैसे करना है, तो पहले खाना खा लो। तो आज बनाया जी आलू मटर का शोरबा, तो अभी खाना खा लें। तो इस यहाँ पे चिकन जो है वो भुन रहा है, तो उतनी देर में खाना खा लेता हूँ। चिकन को मैंने हल्की आंच पे रख दिया ताकि ये वो ना हो जाए, क्या कहते हैं तो नहीं क्या कहते, तो अभी इसे अच्छी तरह से भून लेता हूँ। तो पानी इसने छोड़ दिया काफी ज्यादा, तो अभी इसे अच्छी तरह से मैं भून लूँ और छोटे छोटे टुकड़े में कर लूँ, क्योंकि अभी बड़े बड़े टुकड़े तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँ। तकरीबन 3 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे सफाई कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई है, तो यहाँ पे लगाने का मेरा इरादा है। तो ये सीढ़ियाँ वगैरह साफ कर दें। बाहर जो है वो सफाई हो चुकी है, तो अभी अपने बाल वगैरह सीधे कर लूँ, तो दुकान लगाने का टाइम भी हो गया, तो अभी यहाँ लगाते हैं बल्ब। अभी लगाया नहीं है तो मेरा टाइम हो गया, मैं दुकान लगाऊंगा तो फिर अबू जी बल्ब लगा देंगे शाम के वक्त, तो अभी स्टार्ट करते हैं। लो जी अब मैं भी रेडी हो गया हूँ, तो अभी अपनी दुकान में वो उठा के बाल लगा रखते हैं और काम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। पहले मैं क्या करता था मोटो व्लॉग, फिर एक दिन गया प्राइम व्लॉग, आज कर रहा हूँ रेडी व्लॉग। यहाँ से अभी उठा के बाहर लेके जानी है, तो मुनीबगंज जा कर रहा हूँ, मुनीब गेम खेल रहा है अभी, तो वो गेम खेल के आएगा तो फिर उठा के बाहर रखेंगे। यहाँ पे बाइक खड़ी है, तो आज लगा लिया मैंने यहाँ पे शॉप अपनी, तो इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट है। तो वहाँ के कस्टमर आएंगे कि नहीं वो अभी पता चलेगा आज, तो यहाँ के कितने बनते हैं तो वो भी आज ही पता चलेगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आवाम को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आज का हमारा टेस्ट। बल्ब का होल्डर भी यहाँ पे लग गया, तो वहाँ पे बांध दिया यहाँ से, तो यहाँ पे बल्ब लग जाएगा अभी, तो यहाँ पे बल्ब होगा, यहाँ पे मेरा टेबल है, तो रोशनी जो है काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, तो टेबल के ऊपर ही आ जाएगी रोशनी भी। अभी तकरीबन शाम के 7 बज चुके हैं और जो बल्ब है वो भी लग गया, तो माशाल्लाह काम भी इंशाल्लाह जारी है। तो कहीं अभी बज गए तकरीबन 9, तो दुकान मैंने अभी बंद कर दी है अपनी, तो अभी मैं खाना खाने लगा हूँ रात का, तो खाना खा लेते हैं। तो कहीं अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम में, तो यहाँ पे बैठ के एक कल वाला ब्लॉग एडिट करने वाला रहता है, तो वो एडिट करूँगा, तो उसे अपलोड भी करना है। तो मुझे मालूम है कि आजकल जो मेरे ब्लॉग्स हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल आपको पसंद नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह इसे ऐसा ऐसा मैं इसलिए ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप ये ना समझें कि मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी है। ब्लॉगिंग मैंने नहीं छोड़ी हुई, लेकिन ये सिर्फ मसरूफियत मेरी बढ़ गई है, तो उस वजह से जो व्लॉग है तो वो उसी हिसाब से आ रहे हैं जिस हिसाब से मसरूफियत है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे इसी तरह ऐसा चलते रहेंगे, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी जगह का टोल लगाएंगे
और जो लेवल कर देंगे हर चीज इंटरटेनमेंट को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाले ब्लॉग भी अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तब तक रहिए, अल्लाह हाफिज़।